The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा है स्टैटिन, और ये बहुत बार अब प्रूफ हो चुका है कि कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या इवन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, या आपके जो आप जो खाने में कोलेस्ट्रॉल खाते हैं उसका कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि सिर्फ 20% रोल है उसका आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को अफेक्ट करने में। लेकिन जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है वहां पर जरूर रोल है। तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज्यादा बढ़ा हुआ आया है, एलडीएल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, एचडीएल बहुत कम है, वीएलडीएल ज्यादा है, या इवन टोटल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपके ब्लॉकेजेस ज्यादा हो सकते हैं। इसमें जो मेन कल्प्रिट्स होते हैं वीएलडीएल और एलडीएल, ये होते हैं, याद रखिए। और जो मेन हीरो है जो बचाएगा वो एचडीएल है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का ज्यादा रोल नहीं, कोलेस्ट्रॉल का तो का एक रोल है ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल का रोल टोटली आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स या कोई हार्मोन्स बनाने में है, और ट्राइग्लिसराइड्स का रोल है आपके एनर्जी लेवल प्रोडक्शन में। और बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड हो जाता है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाटाइटिस होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो अपने आप में अलग क्राइटेरिया, अलग चीज है, उसका आप वीडियो देख सकते हैं हमारे, हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स पे वीडियो अलग है। यहां बात हो रही है कि जो स्टैटिन दवा है जो लिटरली आपके ट्राइग्लिसराइड भी कम करेगी, एलडीएल भी कम करेगी, वीएलडीएल भी कम करेगा और आपके एचडीएल को बढ़ाएगा। ये स्टैटिन दवा जो आती है जिसमें एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, पीवास्टैटिन और बहुत सारे ऐसे स्टैटिन है, तो इस स्टैटिन दवाई से क्या एक्चुअली ब्लॉकेजेस, जो अगर खून की नसों में प्लाक जमा हो गया है इस कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से, इन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से होता कुछ नहीं है, ब्लॉकेजेस जमा नहीं, जो खून की नसों के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है किसी भी कारण के वजह से, बीपी ज्यादा हो गया, खून की नसों में थोड़ा क्रैक्स आ रहे हैं, शुगर ज्यादा हो गई, वहां पे एंडोथेलियम डैमेज हो रहा है, आप स्मोकिंग करते हैं एंडोथेलियम अंदर का लेयर डैमेज हो रहा है, तो वहां की रिपेयर वर्क सारी ये कोलेस्ट्रॉल्स करते हैं, ये एलडीएल वलडीएल वहां चिपक जाते हैं, रिपेयर कह लीजिए इसको, वहां फंस जाना कह लीजिए, वहां फंस जाते हैं और वहां और चीजें चिपक चिपक के प्लेटलेट्स और ये चिपक चिपक के फाइबर चिपक चिपक के एक प्लाक बना देते हैं। वो प्लाक जो है वहां जमा जाता है, कैल्शियम जमा होके वो फिक्स हो जाता है वहां पे। सो ये प्लाक जो है, क्या ये प्लाक निकल सकता है? एक बार वहां कैल्शियम जमा हो जाए, ये हो जाए, तब भी क्या ये पूरा का पूरा खून की नस जो ब्लॉक हो रही है 20%, 25%, 50%, 60%, 80%, 90%, क्या ये पूरी साफ हो सकती है? देखते ना वीडियोज, खून की नसें खोले, ये ब्लॉक थी और ये साफ, ये ब्लॉक थी और ये साफ, ये जादू, बस ये खा लो और साफ। नहीं हो सकते ये साफ। कोई भी दुनिया में ऐसी दवा नहीं है जो ये पूरी की पूरी ब्लॉकेजेस को सफाई कर दे, याद रखिए। ना स्टैटिन, ना कोई और दवा, ना ईडीटीए, ना चिलेशन, ना कोई ऐसी थेरेपी है जो इसको जीरो कर दे, बाय गारंटी। रिसर्च में फेल है सब, याद रखिए। ये जरूर देखा गया है कि अगर स्टैटिन से या किसी भी तरीके से, स्टैटिन आपके एलडीएल लेवल को कम करता है, पहली बात समझ लो, ठीक है। ऑब्वियसली स्टैटिन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके लिए स्टैटिन वाला वीडियो देखिए आप हमारा, स्टैटिन के अपने क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी दवा से या लाइफस्टाइल से या किसी भी तरीके से आपका एलडीएल का लेवल 70 से नीचे आ रहा है, एचडीएल का लेवल हाई आ रहा है, 50 के आसपास है, और एलडीएल 70 के नीचे है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो ब्लॉकेजेस हैं उसका रिवर्सल देखा गया है। नॉर्मली आपके ब्लॉकेजेस बन रही है तो वो नॉर्मली आगे की तरफ ही जड़ती जाती है, बढ़ती जाती है 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60% बढ़ता जाता है। लेकिन ये रिवर्सल देखा गया है अगर आपका एलडीएल लेवल 70 से नीचे है, तो चाहे वो स्टैटिन खा के नीचे हो जाए, चाहे वो नेचुरली आप कर लो लाइफस्टाइल से, प्रॉपर खान पीन सही रख के, एक्सरसाइज करके, फाइबर खाके, सैलेड खाके, फ्रूट खाके, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो अगर 70% के नीचे है, 70 के नीचे है, एलडीएल है, तब भी क्या ये जीरो हो जाता है? क्या वो पूरी खुल जाएगी? नहीं। तब भी केवल 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 जितना भी ब्लॉकेज है उसमें 20 से 24% तक ही फर्क पड़ेगा। रिग्रेस होते हुए भी देखा तो कितना कुछ कर लो, वो थोड़ा 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 ही कम होता है, उससे ज्यादा कम होता ही नहीं।
20-24% से. बिकॉज क्या होता है ऑब्वियसली जब आप सीमेंट भी लगाते हो नीचे 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 एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर भी लगाओगे, एक सूख गया फिर ऊपर और लगा, फिर सूख गया फिर ऊपर और लगा, फिर ऊपर का लेयर ही तो निकलेगा, नीचे के नीचे के नीचे जो फिक्स हो गया है जिसमें कैल्शियम घुस गया है जो फिक्स नीचे वो नहीं निकलेगा. सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग हियर. ओके गॉट इट. सो स्टैटिन्स लो चाहे ना लो, अगर आपके एलडीएल लेवल 70 के नीचे है तो आपका जो डिजीज है वो रिग्रेस होने के चांस है. होगा जरूरी नहीं है बिकॉज और फैक्टर्स हैं, स्मोक कर रहे हो और ज्यादा डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, बीपी बढ़ा हुआ है, फलाना है ढमकाना, स्ट्रेस है, मोटापा है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर कहां से होगा. एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस एलडीएल लेवल कम, तब ये जरूर रिग्रेस हो सकता है. और यही टारगेट होता है एक हार्ट अटैक हो जाने वाले के बाद. हार्ट अटैक होने के बाद जब आपको हाई डोज स्टैटिन दिया जाता है, हाई डोज स्टैटिन दिया जाता है हार्ट अटैक वाले पेशेंट को, और उसके बाद भी कई महीनों तक उसका टारगेट यही है एलडीएल लेवल को 70 के नीचे लेके आओ कि जो बाकी बची कुछ बीमारी है वो कम हो. सो अभी आप समझ गए क्या बोलना चाहता था. इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को समझ आए कि उनका एलडीएल लेवल जरूरी है, वो अपना एलडीएल चेक कराएं, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं, टोटल नहीं अपना टोटल लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल कराइए. फास्टिंग 12 घंटे फास्टिंग में अपना लिपिड प्रोफाइल कराना है. रात को 9 बजे खाया है, सुबह 9 बजे जाके दो. दैट्स हाउ इट इज. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन सेव देयर लाइव्स बाय नॉलेज. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.